आपको बताया था, आपको बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनली बॉम्ब की सीरीज आने वाली है भाई। बॉम्ब अब आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बता दूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, तो भाई बॉम्ब की सीरीज की वीडियो चालू कर दी हमने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट। सेमेस्टर फर्स्ट के एनईपी के जो स्टूडेंट हैं, एनईपी का जो इनका सिलेबस है, सेमेस्टर वन के एसएलड्यू एनसीवेब रेगुलर जितने भी बच्चे हैं, भाई बॉम्ब की सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उनके लिए। पूछो मत भाई, दिसंबर के फाड़ो एग्जाम जाने वाले हैं, तो इस बार की कोशिश है कि पूरे बॉम्ब की सीरीज नवंबर आते आते कंप्लीट करवा दी जाए। नवंबर के मिड में आते आते बॉम्ब की पूरी सीरीज कंप्लीट करवा देंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के सारे चैप्टर। टोटल लेक्चर इसके अगर मैं बताऊं तो टोटल 13 से 14 लेक्चर हैं, 14 वीडियो यूट्यूब पे आने वाली है। प्लेलिस्ट में एक एक लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे चैप्टर्स के लिंक इंक्लूड होंगे। और अगर किसी को नोट्स वगैरह बाय करने हैं इंग्लिश मीडियम में, भाई वीडियो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा, बट नोट्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। और बॉम्ब की मच अवेटेड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर वन के लिए, तो ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, इस नंबर पे जाके मैसेज करो, हमें नोट्स परचेज करने हैं। और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट में रिप्लाई भेज जाएगा और मिनिमम अमाउंट देके नोट्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी बॉम्ब की सेकेंड सीरीज को चालू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की ऑलमोस्ट 90% सिलेबस पे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, एनवायरमेंटल साइंस और फाइनेंस फॉर एवरीवन वगैरह सारी वीडियोस धीरे धीरे आ रही है। तो चिंता मत करो, एक चैनल एक्सप्लेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना, बस सिर्फ वॉच करो, नोट्स बाय करो, जिसको लेने हैं नहीं लेने तो वीडियो से पास हो जाओगे भाई, टेंशन मत लो बस। तो चैप्टर नंबर वन है हमारा बीकॉम ऑनर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए, सबके लिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर वन मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, तो चैप्टर वन का नाम है मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। आज हम लेक्चर नंबर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइनली वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, इस जज्बे के लिए, जज्बे के लिए, हाँ जी, तो कर दे यार किसी के लिए भी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट, नहीं यार मिलता कहाँ हूँ यार, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो मैं आया हूँ, वेट करो यार, अभी तो आया हूँ, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। हाँ तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ऑलरेडी 3 मिनट शायद वेस्ट हो चुके हैं बताने में यही सब, बट बताना भी जरूरी था, वेस्ट नहीं बोलेंगे इसको। तो चैप्टर नंबर वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, बॉम्ब जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो बॉम्ब की सीरीज बनाई जा रही है, चैप्टर नंबर वन हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम समझेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। तो मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। जी हाँ, तो मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है, जैसे कि आपका एक घर है, आपके घर के हेड आप हो, थोड़ी देर के लिए मान लो, वैसे आप लगते तो नहीं हो हेड, ना लगते तो नहीं हो भाई शक्ल से, हाँ मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन आप हेड हो अपने घर के, घर के सारे डिसीजन आपको लेने हैं, मैनेज हर चीज करनी है, घर में 5 भाई बहन है, खाना कैसे आएगा, कौन कौन सुबह जाता है, उसके लिए खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करना है, साथ ही साथ किसको कितने रुपए देने हैं, बिजली का बिल, किराया, सिलेंडर, गैस बुकिंग, राशन वगैरह सब आपके ऊपर है। तो ये पूरा का पूरा घर का कंट्रोल मैंने आपको दे दिया, ये रही घर की चाबियां, ठीक है। तो अब आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो आपका ये घर है, ये आपका एक बिजनेस है, ये आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके घर में रह रहे हैं अभी लोग, इनके लिए आपको काम करना है, तो आपको उसके लिए मैनेज करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं भैया, बोलो मैनेजमेंट, ठीक है। मैं सारी चीजें याद करा दूंगा, टेंशन मत लो बस। मैनेजमेंट में अब कितनी सारी चीजें आती हैं आपको नॉर्मली समझाता हूँ। आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लान करोगे, जब आपको मैंने मैनेज करने को दिया, ये पूरा घर आपका है, आपको मैनेज करना है, ब्रेकफास्ट कितने लोगों के लिए बनता है, गैस सिलेंडर कब आती है, राशन कितनी डेट को आएगा, तो सारी चीजें मैनेज करनी है, तो आपको पहले प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग तो हो गई, चलो मैंने डेट में एक शेड्यूल बना लिया, मैंने लिख लिया कि राशन 5 तारीख को आता है, ठीक है, इस बच्चे का टिफिन इतना जाएगा और इसकी सैलरी इतनी है, इतना खर्चा करना है, इस चीज पे इतना लगेगा, पूरे महीने का हिसाब किताब जोड़ के मेरा 50,000 का मंथली बजट बैठ गया। अब उसके बाद हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मींस कंट्रोलिंग करनी है, कहाँ पे कंट्रोल करा जाए, कहाँ पे डील दी जाए, कहाँ पे सख्त हुआ जाए, वो आपको देखना है। वरना तो अगर आप डील दे दोगे तो सारे पैसे ले लेके आपके गले में से, आपकी शॉप में से, आपके दुकान से सारा बिजनेस तो ठप कर देंगे। तो दूसरा चीज आता है कंट्रोल करना, चीजों पे कंट्रोल होनी चाहिए, एक पकड़ बना के चलना होता है, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बेसिकली बिजनेस की लैंग्वेज में ये रहा मीनिंग,
छोटा सा मीनिंग है, दो लाइन का मीनिंग है जो मैंने बताया, बस उतना ध्यान रखना। कह रहा है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक प्यारा सा प्रोसेस है जिसके अंदर चीजों की प्लानिंग करी जाती है। पहले क्या किया जाता है, चीजों को प्लान किया जाता है, करने से पहले प्लान करो। आपने सोचा कि मुझे कैट के एग्जाम देने हैं, सीएटी कैट वाला एग्जाम देना है, तो कैट के एग्जाम के लिए आप पहले प्लानिंग करोगे, अपना स्केड्यूल बनाओगे। एक साल का टाइम है भाई, मेरे पास 12 महीने हैं, तो एक बुक को 3 महीने में कंप्लीट करना है, 6 बुक है, 8 बुक है, 10 बुक है, प्लानिंग तो करनी जरूरी है। फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे प्लानिंग के मुताबिक। अब आप सारी चीजों को ढूंढोगे, डिफाइन करोगे सोर्सेज। बुकें मैंने सारी अपनी बैग में रख ली, हाँ रख ली। हर चीज आपके पास है, हाँ हैगा। पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, हर चीज है। ऑर्गेनाइज करना है, चीजों को इकट्ठा कर लेना है, जगह जगह से चीजों को इकट्ठा करोगे। फिर आप करोगे लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। लीडिंग मतलब होता है आपके नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो आपसे नीचे हैं, उन सारे वर्कर्स को आप लीडिंग करोगे, मीन्स आप उनको मोटिवेट करोगे, सुपरविजन करोगे, आप उनके कामों को देखोगे। जैसे आप छोटे बच्चे रहते हो ना, तो घर पे पेरेंट्स जो आपके रहते हैं वो आपको बेसिकली क्या करते हैं, आपको लीड करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। अगर आप आग में हाथ डाल रहे हो, बोलते हैं नहीं आग गर्म होती है, आप मानते नहीं हो, आप उसमें डालोगे चुल रहती है अंदर, तो आप उसमें उंगली डालते हो तो आपकी उंगली जल जाती है, तो वो बताते हैं कि आग गर्म होती है, तब आपके दिमाग में बैठता है कि हाँ आग गर्म होती है, तो आप लीडिंग कर रहे हो। तीसरी चीज होती है कंट्रोलिंग। आपको चीजों को समझना है, कंट्रोल में रखना है, ठीक है। कंट्रोल मतलब मार के नहीं रखना, जैसे कि चिड़ियाघर में देखा होगा या फिर आपने सर्कस में देखा होगा शेर को मार के रखते हैं, ऐसा नहीं रखना। आप यहाँ पे जानवर नहीं हो, आप इंसान हो। आपको कंट्रोल से मतलब है कि आपके जो फाइनेंशियली खर्चे होते हैं, चाहे वो घर के हो चाहे बिजनेस के हो, उसमें कंट्रोल रखना है। जैसे कि मम्मी रखती है तिजोरी पे कंट्रोल, ठीक है, वैसा आपको कंट्रोल रखना है। अगला है उसके बाद एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल में रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए गए, सारे रिसोर्सेज पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, चार चीज आपको बना के रखनी है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे इसको पोलस, POLC। पोलस कैसे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, POLS। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, सेपरेट चैप्टर भी आएंगे आगे, बच्चे वेट करो, सेपरेट चैप्टर भी आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो। ये आगे उसके बाद लिखा है यहाँ पे मैंने, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव इट्स गोल इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। देखो मैंने दो चीजें लिखी है यहाँ पे, पहली चीज लिखी है एफिशियंटली, इफेक्टिवली, अच्छे से, अच्छे कुशल ढंग से, और इफेक्टिवली, एक प्रभावपूर्ण ढंग से, ठीक है। तो दोनों को लिखा मैंने इसीलिए क्योंकि आप जितनी भी एक्टिविटीज करोगे, जितनी भी एक्टिविटीज बॉम के अंदर होगी, मैनेजमेंट में होगी, वो सारी एक्टिविटीज आपको अचीव करने में हेल्प करेगी आपके गोल्स। जैसे कि पोलक मैंने बताया था, पोल्स, पोल्स में POLC, तो इसमें पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है, हो गया चारों। अब हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट इवोल्यूशन। देखो मैनेजमेंट ने ना अपने आप को इतना डेवलप कर लिया भाई, हो गया बस, ज्यादा नहीं करना, आप नीचे आ जाओ, तो इतना डेवलप कर लिया है कि ना मैनेजमेंट ने अभी तक 3 इवोल्यूशन लिए हैं, टोटल के 3 इवोल्यूशन। देखो आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ये डिवाइड्स इन 3 मेजर फेसेस। 3 मेजर फेसेस के अंदर इवोल्यूशन को डिवाइड किया गया है। पहला इवोल्यूशन जो है वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का इवोल्यूशन है। सबसे पहला है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर 2 सब पॉइंट है। पहला सब पॉइंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। पहला जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट वो W. टेलर द्वारा लिखा गया है, दूसरा है हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया है। दोनों में फर्क क्या है पहले वो समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी जो थ्योरी है, इसमें हमें पहले सिखाया गया था, एक प्रोफेसर थे W. टेलर, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब होता है जब आप मैनेज करते हो तो उसमें एक साइंस होती है, हर चीज के अंदर एक साइंस है। अब ये मार्कर ऊपर से नीचे गिर रहा है, मेरा मार्कर है पैसों का, गिरा दू कैसे बताऊं, अजीब बात करते हो, तो गिरा नहीं, मैंने सिर्फ पकड़ लिया ना, तो मैंने जैसे ऊपर से नीचे गिराया तो टाइम लगेगा, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करना, ये कहलाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हम सीखते हैं कि टाइम थ्योरी,
स्पेड थ्योरी और ऐसे ही बहुत सारी और अलग थ्योरी सीखते हैं जिसमें डब्ल्यू टेलर द्वारा लिखी गई है। ये एक मैनेजमेंट जब हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो कौन से काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी स्पीड में करना चाहिए, ठीक है, एक बंदा एक लेबर कितनी कॉस्ट तक उस काम को खत्म कर सकता है, तो वो सारी थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में आती है। बी थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको हेनरी फ्रियोल ने लिखा था। इस थ्योरी के अंदर इसके अलावा हम देखते हैं किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, किस तरह से कंट्रोलिंग करी जाती है, किस तरह से लीडिंग और प्लानिंग करी जाती है। चारों चीजों को हेनरी फ्रियोल ने अपनी थ्योरी में अच्छे से बखूबी डिफाइन किया है और नोट्स के अंदर भी इनको चारों को मैंने लिखवाया हुआ है, मेंशन करा हुआ है। अभी आप इसको मैंने आगे डेफिनेशन को लंबा नहीं करा है क्योंकि ये पॉइंट्स नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है, मैंने बताया था तीन फेसेस में डिवाइड किया है। पहला फेस इज क्लासिकल थ्योरी, जिसके अंदर दो है, साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेशन। साइंटिफिक लिखी है डब्ल्यू टेलर ने, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट लिखी है हेनरी फ्रियोल ने, ठीक है। 11th की 12th की बुक में बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर दूसरा या तीसरा है जिसके अंदर हेनरी फ्रियोल और इसकी थ्योरीज वगैरह। आगे है नेक्स्ट न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी एक सेकंड मेजर टाइप है मैनेजमेंट इवोल्यूशन का। इसके अंदर भी दो थ्योरी है। पहली जो है ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेशन, क्या है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, कि बंदे का एक ह्यूमन का एक रिलेशन जो है वो बनाना है। तो देखो रिलेशन क्या होता है, ये लिखी है एल्टन मायोस ने। एल्टन मायोस ये एक प्रोफेसर थे, बहुत ही यूनिक इन्होंने थ्योरी लिखी थी ह्यूमन रिलेशन पे। कह रहा है कि जो एक ओनर होता है, मान लो ये ए है, ये ओनर है मतलब बिजनेस का एक मालिक है, और नीचे एक सबोर्डिनेट है जो कि है डी, तो ए को डी से किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। एक पर्सन को, एक ओनर को, एक ओनर की तरह नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, एक फ्रेंड की तरह, कंज्यूमर की तरह, कंज्यूमर को फ्रेंड जैसा, या अपने स्टाफ को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे तो उस टाइम पे आपका जो काम है वो ह्यूमन रिलेशन वो भी एक तरह से बन जाएगा। रिलेशन के साथ साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको बिना सुपरविजन के काम करा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरों से काम निकलवाने का एक तरीका होता है जिसमें हमें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हेल्प करता है। सेकंड है बिहेवियर मैनेजमेंट। बिहेवियर मैनेजमेंट इसके अंदर एक व्यक्ति के मूड के बारे में डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति का मूड किस तरह का है। अभी वो गुस्से में है, अभी उसका सोशल मूड कैसा है, अभी वो अपने घर से झगड़ा करके तो नहीं आया। तो ये सारी थ्योरी को ऑब्जर्व करने का काम जो करता है वो करता है बिहेवियर मैनेजमेंट, जिसको लिखा था डगलस एमसी जॉर्ज ने। किसने लिखा था, डगलस एमसी जॉर्ज ने, ठीक है। तो दूसरी हमारी जो थ्योरी टाइप है न्यू क्लासिज्म, वो कंप्लीट हो गई, जिसमें एक आती है ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन के साइंटिफिक, ह्यूमन के रिलेशन के बारे में सीखते हैं। दूसरी आती है बिहेवियर, आपको इसमें आदमी की एक बंदे की एटीट्यूड्स, उसके वैल्यूज, उसके मोरालिटी, उसके इथिक्स जो भी हैं वो आपको इसमें पता चलते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट में। आप लिखोगे क्या, आप यही लिखोगे कि ये जो थ्योरी है डगलस एमसी जॉर्ज द्वारा लिखी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशनल में जब काम करता है तो उसके अंदर क्या इथिक्स होते हैं, क्या मोरल होते हैं, उसके क्या कुछ वैल्यूज होती है, कुछ डिजायर्स होती है, वो एक मैनेजमेंट लेवल पे चाहता है वो फुलफिल करने का काम करती है हमारी बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी। बस इतना लिखोगे हिंदी वाले बच्चे जो है, इंग्लिश वालों के लिए तो बाकी मैंने इंग्लिश में बता दिया, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट हमारा मॉडर्न आ चुका है, मॉडर्न नंबर 3 जो मेजर फेसेस है उसका, जिसका नाम है तीसरा मेजर फेसेस इवोल्यूशन मैनेजमेंट में जो आया था। थ्योरी का नाम है द मॉडर्न एरा। द मॉडर्न एरा, एरा मतलब होता है एक दौर, ठीक है। क्या है, सिस्टम थ्योरी, क्या एक सिस्टम थ्योरी है। सिस्टम हैंग कर देंगे, वो वाला सिस्टम नहीं है, सिस्टम थ्योरी है। मतलब कि यहाँ पे आपको जो थ्योरी है वो पीटर ड्रकर ने दी है। पीटर ड्रकर ने एक थ्योरी बताई थी सिस्टम थ्योरी, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का यूज सीखते हो, आप सिस्टम सीखते हो, आप ये समझते हो कि आपके आसपास सोशल एनवायरमेंटल आपसे क्या चाहता है, क्या चाहता है आपसे एग्जामिनर। तो आप ये सारी चीजें जहां पढ़ते हो उस थ्योरी का नाम सिस्टम थ्योरी होता है। पॉइंट नंबर 2 कंटीजेंसी थ्योरी, जहां पे एक व्यक्ति जब बिजनेस में वर्क करता है, वर्क करने के साथ साथ
जो बिजनेस में वो वर्क कर रहा है उसके ही अंदर के होने वाले कुछ डिसीजन, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग या कंट्रोलिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को कंटीजेंस करता है, अपने अंदर सम्मेलन करता है और चीजों को ऑब्जर्व करता है और किस तरह से कौन सी चीजें कब होती हैं ये सब देखने का काम कंटीजेंसी थ्योरी करती है। कंटीजेंसी थ्योरी को मेंशन किसने किया था, तो कंटीजेंसी थ्योरी प्रोफेसर फ्रेड द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये प्रोफेसर के नाम है सारे के बगल बगल, तो आपको एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी, थ्योरी नंबर थर्ड है, तो हमारी थर्ड थ्योरी जो है वो आती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली एक वो थ्योरी है जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। कौन सी होती है? टेक्नोलॉजी। आप इसमें कोई भी मशीन हो सकता है, कोई भी प्रोडक्शन हो सकता है, चाहे वो प्रोडक्शन किसी गुड्स का हो, चाहे वो प्रोडक्शन किसी भी सर्विसेज का हो। तो जितने भी हम प्रोडक्शन वगैरह करेंगे उसमें स्ट्रेटेजिक थ्योरी वर्क करती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्क करता है। क्योंकि कभी कभी मान लो हम किसी जगह पे 3 लेबर से काम करा रहे हैं, उसकी जगह हो सकता है कभी हम 1 मशीन ले आए तो वो एक अकेली मशीन 50 लेबरों का काम कर रही है और लेबर जो है वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं मशीन के मुकाबले। तो हमें स्ट्रेटेजी के डिसीजन लेना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि हमें किस तरह से सुफिशियंट वे में लेबर से काम करवाना है या मशीन से अच्छा प्रोडक्शन लेना है। ठीक है, तो ये सारे काम डिसीजन के मॉडर्न एरा थ्योरी हमें सिखाती है। तो बेसिकली आपके टोटल 7 थ्योरी है। पहली आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरी ह्यूमन रिलेशन, फिर बिहेवियर मैनेजमेंट, फिर सिस्टम थ्योरी, फिर कंटीजेंस थ्योरी और लास्ट आती है स्ट्रेटेजिक थ्योरी। टोटल एरा कितने हैं? तो टोटल अभी तक आपके 3 इवोल्यूशन हुए, पहला क्लासिकल इवोल्यूशन, फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी, फिर आता है मॉडर्न एरा। सिर्फ ये 3 इवोल्यूशन हुए हैं पूरे बिजनेस मैनेजमेंट में। ठीक है, बात करिए अभी तक हमने सीखा इसका मीनिंग और इसका इवोल्यूशन, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब आप सीखोगे कि मैनेजमेंट जो है, जो वास्तविक में जो व्यवस्था है उसके कुछ सिद्धांत है। सिद्धांत बोले तो कुछ ऐसे सिद्धांत जिनके बेस्ड पे ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट थ्योरी टिकी हुई है। 11th क्लास में पढ़ा था आपने, है ना, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, कार्य विभाजन, स्केलर चेन, श्रृंखला, ठीक है, और यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कि आदेश की एकता, है ना, और ऐसे बहुत सारे अपने 12 से 13, आई थिंक मेरे हिसाब से जो है वो 14 थे, 14 के 14 प्रिंसिपल हमने पढ़े थे क्लास 12th में, जिसमें छोटा छोटा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 5 और 6 पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको पहला दे रखा है डिविजन ऑफ लेबर या डिविजन ऑफ वर्क, दोनों ही एक है, चाहे आप लेबर का डिवीजन करो या वर्क का डिवीजन करो, लेबर ऑलरेडी डिवीजन हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क मान के चल लेते हैं, इसके बगल में हम लिख लेते हैं छोटा सा डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, इसमें आपका कार्य विभाजन होता है। पहली थ्योरी, कार्य को विभाजन करके रखो, मैनेजमेंट की थ्योरी कहती है कि जब आपको प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग करनी है, काम अच्छे से करवाना है, तो जब तक आप कार्य विभाजन नहीं करोगे, काम को बांटोगे नहीं लोगों में, तो वो लड़ाई झगड़े करेंगे और लड़ाई झगड़े से आपका नुकसान होगा, और लड़ाई झगड़े जब तक चलेंगे जब तक आप उस कार्य को विभाजन नहीं करते उन लोगों के बीच में। लोगों को अलग अलग काम करवाने के लिए उनके बीच में सेपरेट वर्क देना चाहिए। अगर मान लो ABCD 3 बंदे हैं, ABCD 4 बंदे हैं, ठीक है, आपने बताया नहीं था, वैसे ये 3 नहीं 4 ही हैं। ठीक है, 4 बंदे हैं जिनका नाम है ए से आओ बैठो चाय पियो और दफा हो जाओ, ये इनके नाम है, ए से आओ बैठो चाय पियो और दफा हो जाओ। ठीक है, तो देखो ये 4 बंदे हैं, अब इन आओ बैठो पियो और दफा हो जाओ को हमने 4 वर्क दिए। हमने ना एक टब के अंदर बोला, इस टब में हमने सोना चांदी च्यवनप्राश परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन सारी चीजें इसमें डाल रखी है, अब आपको छांट के अलग करनी है। अब ये 4 में कुत्तों की तरह लड़ने लग गए, लिटरली कुत्तों की तरह लड़ने लग गए और सारे ऐसे भाव 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 करके उसमें डूब गए। तो भाई ऐसी चीजें नहीं करनी हमें, सॉरी मैंने वो वर्ड का यूज किया, बट हमें क्या करना है, हमें ना चारों को अलग अलग करके देना है, सोना चांदी च्यवनप्राश परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन आओ बैठो चाय पे दफा हो जाओ को अलग अलग करके देने पड़ेंगे, अलग अलग करके सेपरेट मैंने दे दिया। तो अब इनमें काम क्या रह गया, भाई काम यही है कि सेपरेट करने के बाद ही इनका काम चालू होगा। अभी मैंने इनको ऑर्गेनाइजिंग करके नहीं दी थी, अभी मैंने इसको ऑर्गेनाइजिंग करके दे दी है,
सबको सेपरेट ऑर्गेनाइजिंग करके दिया है, अब ये अपना काम चालू करेंगे और मैं आप उसमें सुपरविजन करूंगा। तो ये कहती है डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब होता है एकता, एकता ऑफ कमांड, कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड, आपको कमांड की एकता होनी चाहिए। मीन्स आपको अपने लेबर को या किसी भी इंप्लॉय को 10-10 काम एक बार में नहीं देने हैं, समझ आ रही है, आपको उसको एक बार में 8-10 काम या 50 काम नहीं सौंपने, वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक बंदा कह रहा है कि मेरे लिए चाय लेके आओ, दूसरा कह रहा है मेरी कार नीचे खड़ी है उसको पार्क करके आओ, तीसरा कह रहा है मेरी फाइलें टेबल पर रख के आओ, चौथा कह रहा है सबसे ऊपर फ्लोर से जाओ और ये चीज लेके आओ, पांचवा कहता है कि नीचे से जाओ फटाफट वॉशरूम का फ्लश बंद करके आओ, पानी ज्यादा गिर रहा है। तो ये इतनी सारी चीजें में एक भी काम अच्छे से नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है अगर आपका कोई एक सबोर्डिनेट है तो उसको 3 या 4 या 5 लोगों से कभी भी काम नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी एक ने काम सौंपा है पहले वो कर लेगा, उसके बाद इसका नंबर, फिर इसका 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 आएगा, ऐसे ऐसे काम नहीं देना। भगदड़ में ऐसे नहीं है सारे अपने हाथ साफ कर रहे, सबको बारी बारी से नंबर मिलेगा, बारी बारी मिलेगी, बारी बारी से देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि जब भी काम कराओ एक स्केलर चेन बना लो, श्रृंखला बना लो, कि काम ना एक लहजे में होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए। कैसे, जो सबसे नीचे लोअर लेवल है, लोअर लेवल को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मिडल लेवल के पास जाएगा, अपने से ऊपर वाले के पास जाएगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व कर दो। अगर उसके पास सॉल्यूशन है तो बता देगा, अगर उसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो वो अपने से ऊपर टॉप लेवल पर जाएगा और हेल्प मांगेगा। अगर उसके पास सॉल्यूशन है तो बता देंगे, वरना वो ऊपर अपने टॉप लेवल के पास जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे जाएंगे, ठीक है। कभी भी अगर मान लो स्केलर चैन की बात कर रहे हैं तो कोई इंप्लॉई सीधा मुंह उठा के मालिक के ऑफिस में नहीं जाएगा सोफे पे बैठ रहे हैं, वो हमेशा ट्राई करेंगे। स्केलर चैन इसीलिए होती है कि यहाँ पर एक चेन बन जाए, ABCDE, मतलब एक लाइन से आप हेल्प मांगोगे, आप डायरेक्ट ऊपर नहीं जाओगे, आप नीचे वाले से बोलो वो उसके ऊपर जाएगा, वो उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, एक चेन है। हाँ, इसमें एक डिफेक्टिव चीज भी है, वो ये है अगर इसकी लिमिटेशन पूछी जाए तो लिमिटेशन में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अब आप एक के ऊपर जाएगा, एक उससे ऊपर, एक उससे ऊपर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट कंट्रोल होता है, मोबाइल से सीधा मालिक को कॉल करते हैं और वहां पे टाइम भी बच जाता है और पैसे भी बच जाते हैं, है ना। तो ये चीज स्केलर चैन के डिस्क्वालीफाई है, मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक भी है। अगर वो कोई भी डायरेक्ट जो है सीधा मालिक से कॉन्टेक्ट कर लेगा तो सोचो मालिक का टाइम कितना वेस्ट होगा, जो कि इतना ज्यादा कीमती है, है ना। आगे है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता, दिशा की एकता। आपको किसी भी दिशा में जाना है, आपको एक दिशा में जाना है। कहने का मतलब है जैसे यूनिटी ऑफ कमांड था, एक ही जना आदेश देगा आपको। अब आदेश चाहे 10 जनों से मिले मगर आपको सुननी एक की है, किसकी, मेरी। अब चलेगा वही जो चाहेंगे हम, ठीक है। आपको ये सुनना है क्योंकि आपको चैप्टर क्लियर कर रहा है ना, तो सुननी मेरी पड़ेगी ना। हाँ, तो आपको एक ही दिशा में एकता में जाने, मम्मी बोलेगी ना पीछे से, आ जाए खाना खा ले, दूध पी ले, पुलाव पका ले, या पीछे से कुच्ची मुच्ची करता हुआ बाबू शोना आ रहा है किसी का, तो नहीं सुननी। अभी आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है जी। तो भाई ये थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ये थे कुछ इवोल्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उतारने का टाइम दूंगा, ठंड रखो भाई, उतारने का टाइम दूंगा, सबको उतारने का टाइम मिलेगा। मैं साइड हो जाऊंगा तो भर भर के उतार लेना, चैप्टर कंप्लीट कराने तो बस। तो आगे है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? अब मैनेजमेंट के कुछ नेचर होते हैं, कुछ प्रकृति होती है। पहले प्रकृति होती है कि मैनेजमेंट हमेशा यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब कि जैसे द शाहरुख खान यूनिवर्सल है, कोई उससे ज्यादा एक्टर है ही नहीं टैलेंटेड, तो ऐसे ही मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल है, खुद में अपने आप में एक यूनिवर्सल वर्ड है। कैसे, आप हर जगह देख लो मैनेजमेंट चलता ही चलता है, किसी भी जगह हाथ मार लो मैनेजमेंट होगा ही होगा। अब ये बोर्ड पे देख रहे हो, बोर्ड पे भी मैनेजमेंट है। अब आपको नहीं दिख रहा ना, ये वर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, ये वर्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ भी लिखते टाइम भी मैंने एक मैनेजमेंट करके लिखा है। देखो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे, नोट्स के लिए अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये आपको दिख जाएगा आपका बीकॉम प्रोग्राम ऑनर से। मैंने मैनेज कर रखी है चीजें, छोटी छोटी जगह में हर एक चीज मेंशन करिए ताकि आपको आराम से समझ आए, ठीक है। ये सेमेस्टर मेंशन किया, आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में कि सेमेस्टर कौन सा है। यहाँ मैंने चैप्टर का नाम डाला बड़ा बड़ा, फिर मैंने ये पूरा लिखा है और लिखा ऐसे है कि आपको समझ आए। एक पहली लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन, तो मैंने तीनों को मैनेज करा है, लाइनें खींची है, पर्टिकुलर स्पेस में हर एक पॉइंट डिफाइन किया है और जो मेरे मेन पॉइंट्स है सबके ऊपर एक लाइन लगाई है,
तो ये क्या हो रहा है, ये मैनेजर हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, यूनिवर्सल हो रहा है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। समझ आ रहे, बोर्ड में भी मैनेज करके चीजें लिखी है, अगड़म बगड़म कुछ भी कहीं भी लिख देता ना तो ये सारी चीजें इस बोर्ड पे आती ही नहीं, दीवार या मेरी टी शर्ट पे लिखनी पड़ जाती मेरे को, समझ रहे हो। तो मैनेजमेंट का हिस्सा है। आगे आता है गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। मेरा उद्देश्य है आपको एक अच्छी एजुकेशन देना, आपको एक अच्छी टीचिंग देना, आपको अच्छा सा पढ़ाना, तो मेरा उद्देश्य जब भी पूरा होगा जब मैं अच्छे से मैनेज करके लिख लूंगा। अभी मान लो ये चीज मैंने यहाँ लिखी होती, वहां से उठा के कुछ चीजें यहाँ लिखी होती, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो कुछ चीजें यहाँ की पढ़ रहा हूँ, कुछ चीजें यहाँ की पढ़ रहा हूँ, ना मैं खुद समझ पा रहा हूँ ना आपको समझा पा रहा हूँ। तो इसीलिए गोल ओरिएंटेड तभी होगा जब मैनेज होगा, समझ आ रहे हो। मैं अगर आपको चीजें सही से समझा पा रहा हूँ तो इसका मतलब है मैंने लिखा अच्छे से लिखा है, तो आप भी अच्छे से समझोगे और अच्छे से समझाओगे। हाँ, कुछ चीजें अगड़म बगड़म हो गई है जो मैंने अभी साइड में रफली कर दिया है, वो तो मैं सारा मिटोगे साफ कर दूंगा बाद में। आगे उसके बाद लिखा है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आप यहाँ करो, घर में करो, अपने घर में करो, दूसरों के घर में जाओ। अगर मान लो आपके घर में चप्पलें गेट के बाहर उतरती है, आप एक मैनेजमेंट कर रहे हो, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर में चप्पलें घर के बाहर उतारी जाती है, घर के अंदर मंदिर है या घर के अंदर नहीं लाई जाती हमारे घर की तरह, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो। दूसरों के घर में भी अगर हम जाएंगे ना, तो हमारे घर में ये अगर रूल है कि चप्पलें घर के बाहर होनी चाहिए, तो हम दूसरों के घर में भी चप्पलें घर के बाहर ही छोड़ेंगे, चाहे वो अंदर लेके घुसते हो, मगर हम एक बार स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम अगर जाएंगे तो चप्पलें बाहर उतारेंगे, क्योंकि एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। अगला है इनटेंजिबल, मैनेजमेंट अपने माइंड में होता है, मैनेजमेंट अपने दिमाग में होता है। आपको पता है कि चप्पलें बाहर उतारी जाती है, तो कोई बताने या बोर्ड लाके लिखने नहीं आता कि चप्पलें बाहर उतरनी है, आप अपने दिमाग से सोचते हो, दिमाग लगाते हो, नहीं लगाते, कॉमन सेंस नहीं है, कोई बात नहीं मैं देता हूँ छोटा सा देता हूँ, तो आप दिमाग लगाते हो कि आपको चप्पलें बाहर उतारनी है, आप चप्पलें बाहर उतारोगे, है ना। आपको वीडियोस देखना है तो आपको हेडफोन लगाने, ईयरफोन लगाने, आवाज नहीं आ रही, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये एक मैनेजमेंट क्या है, एक आइडिया दे रहा है आपको दिमाग में, एक मैंने आइडिया डाला है, तो ये इनटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते इसको, दिमाग में फील कर सकते हो, आइडिया महसूस करते हो। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत सारी होती है भाई, ठीक है। हाँ जी, तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये गोल ओरिएंटेड होता है, जिसको अभी मैंने डिफाइन किया था, अभी मैंने बताया था ये पूरा मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो ये देखो ये रहा गोल ओरिएंटेड, वन वन सेम सेम है, तो मैंने नंबर डाल दिया वन और वन, ऊपर वाली कैरेक्टर स्केच नेचर और कैरेक्टर स्केच सेम ही है, वन वन, ठीक है। अगला है डायनेमिक, डायनेमिक मतलब होता है कि एक वाइड रेंज, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रेंज, एक वाइड रेंज भाई, बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे जब किसी चीज को प्रमोट करा जाए तो वो डायनेमिक हो जाती है। तो एक जो मैनेजमेंट है ये डायनेमिक ही है, बेसिकली आप किसी भी घर में जाओ हर चीज मैनेज है, आप किसी भी घर में जाके बेड पे देखोगे, दो तकिया रखी होगी, अच्छी सी बेडशीट होगी, गंदगी नहीं होगी, आपके खुद के घर में भी हो सकता है ऐसा, मगर आपके घर में तो गंदगी है, मैंने तो कल ही देखा था पीछे जाके, अरे पीछे वाला बेड दिख रहा है, गंदगी दिख रही है, वो देख रहा हूँ भाई मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक है, बेसिकली आप चीजों को अच्छे से, विश्वविख्यात है कि चीजों को मैनेज करके चलते हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि अभी आया था ये नंबर टू, ये नंबर टू कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैंने बताया था लगातार चलता है, कभी रुकता नहीं है, इनटेंजिबल है और यूनिवर्सल है। इनटेंजिबल नंबर थ्री आ जाएगा, यूनिवर्सल नंबर फोर आ जाएगा, तो इनटेंजिबल नंबर थ्री आ जाएगा और यूनिवर्सल नंबर फोर आ जाएगा। चारों पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर बोलो सेम सेम है, मैंने मार्क कर दिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई भी डाउट है, परेशानी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, चाहे नोट्स बाय करने हो, चाहे मैसेज कर रहा हो, मैसेज करो, व्हाट्सएप पे कॉलिंग मत करो, कॉलिंग नहीं उठाता, आदत नहीं है उठाने की, मन नहीं करता उठाने का, कुछ भी मान लो। सेकंड चीज, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अब हम बात करेंगे कि लेवल कितने हैं, मैनेजमेंट के लेवल होते हैं भाई, मैनेजमेंट ऐसे वर्क नहीं करता है, मैनेजमेंट एक लेवल से वर्क करता है। तो मैनेजमेंट के बेसिकली तीन लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, आपने पढ़ा होगा हर चीज के लेवल होते हैं। आप छोटे से जब होते हो ना, प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से, आप चीजों को डायरेक्ट पापा से मांग लेते हो, तो आपका जो मिडिल लेवल है, लोअर लेवल पे होते हैं, बट आप सीधा टॉप लेवल से कॉन्टेक्ट कर लेते हो पापा से, पापा मेरे को खिलौने चाहिए, पापा मुझे फोन चाहिए, अभी भी बच्चे कर लेते हैं, बट बड़े होने लगते हैं तो थोड़ी जिम्मेवारी आने के बाद लगता है, मांगने से पहले भी बच्चे सोचते हैं, नहीं सोचते तो आप बहुत ज्यादा फुद्दू हो, आप चीजों को समझते नहीं हो तो आप फुद्दू हो,
बट आपको इस एज में चीजें समझनी चाहिए, आप मांगना चाहिए। हाँ ये नहीं कह रहा कि हक नहीं, आप मांग नहीं सकते, बट सोच के मांगो। अगर आप कुछ काम नहीं करते, आप मांग रहे हो आईफोन, पापा आपके 30-40 हज़ार कमा रहे हैं, आप आईफोन मांग रहे हो बल्कि आप कुछ वर्क नहीं कर रहे, तो वर्थ इट नहीं है। आपको सोचना चाहिए आप क्या मांग रहे हो, वो डिमांड जेन्युइन ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम जब टॉप लेवल से जब हम छोटे होते हैं, बेसिकली जब हम छोटे होते हैं तो हम डायरेक्ट लोअर लेवल से टॉप लेवल पे मांग लेते हैं। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमें नॉलेज आती है कि हमने मम्मी का सहारा लेते हैं चीज़ों को पूरा कराने के लिए। कभी कभार होता है ना, काफ़ी मैं तो बेसिकली ये करता हूँ, अपनी परसेप्शन बताऊँ तो, और मेरे को पता है कि जो भी व्यूअर्स हैं उसमें से भी काफ़ी ऐसे होंगे जो अपनी चीज़ों को डायरेक्ट पापा से नहीं बोलते होंगे, शेयर नहीं कर पाते होंगे, डरते होंगे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वो रिस्पेक्ट मान लो तो वो मम्मी से शेयर करते हैं। मिडल मैन कौन है? मम्मी। मम्मी पापा को बताती है, वो मनाती है, तो ऐसे एक चेन बन जाती है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में एक चेन होती है जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तीनों के वर्क बताने वाला हूँ, क्या क्या करते हैं वो बताने वाला हूँ। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, कंपनी के ओनर बैठते हैं और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बैठते हैं। इनका वर्क क्या होता है कि इनको मिडल लेवल और लोअर लेवल को संभालना होता है। मिडल लेवल पे बेसिकली इनका वर्क होता है क्योंकि टॉप लेवल वालों को मिडल लेवल वालों को काम करने के लिए एडवाइस और परमिशंस देनी होती है। अब बात करते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट, ये बीच के बिचौलिए होते हैं जो नीचे वालों से काम करवाते हैं, ऊपर वालों के काम करते हैं। दोबारा मेरी बात सुनो, ये बीच के बिचौलिए हैं जो नीचे वालों से काम करवाते हैं, ऊपर वालों के काम करते हैं, खुद करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया इनको कि भाई 10 किलो चीनी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये प्रोडक्शन करेंगे। तो ये इनसे बोलेंगे और ऊपर से ऑर्डर आएगा, तो ऊपर से ऑर्डर इनका जवाब देना भी पड़ता है। अगर मान लो इन्होंने प्रोडक्शन नहीं करा तो क्या लगता है, टॉप लेवल इनको डांटेगा? टॉप लेवल लोअर को नहीं डांटेगा। अगर मिडल लेवल है तो टॉप लेवल मिडल को पूछेगा काम कहाँ गया, क्यों नहीं हुआ। और हाँ, ये इनको डांट सकते हैं, ये इनको डांट सकते हैं, इनकी सैलरी कट कर सकते हैं अगर ये काम अच्छे से नहीं कर ले, लोअर लेवल वाले। और लोअर लेवल का काम हमेशा क्या होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको इसका काम भी करना है, इसका काम भी करना है। आप देख रहे होंगे, अगर मान लो इसको इसका काम करना है तो कर रहे हैं, कभी कभी मालिक आगे बोल दे मेरी कार पार्क कर दे भाई रामू, तो रामू को कार भी पार्क करने जाना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता क्योंकि वो तो इससे भी ज्यादा टॉप सीनियर लेवल के लोग हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल का काम होता है सिर्फ एक डिसीजन देना, मिडिल लेवल के काम होते हैं इसकी सुनना और इससे सुनाना, लास्ट वाले का होता है सिर्फ सुनना ही सुनना है, सुनाना नहीं है, सिर्फ वो सुनेगा सुनेगा। वो अपने नीचे कोई मिथुन चक्रवर्ती नहीं है कि आजा तेरे नाम का कुत्ता पाल लूं, उसको सुनाएगा कुत्ते को, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे ये जो है लोअर लेवल इज द लास्ट लेवल ऑफ द चेन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, बात क्लियर है? इतना चीखने चिल्लाने के बाद तो सब कुछ समझ आ जाता है। यार मेरी आवाजें बंद हो रही है, गले में बहुत दर्द हो रहा है चिल्लाने में भी, यहाँ पे एक तो शोर ज्यादा है तो आपको समझ आए इस वजह से। अगला आता है पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट पर्पस क्या होता है। मैनेजमेंट पर्पस मतलब होता है कि आप किसी काम को कर रहे हो तो उसका पर्पस कुछ होगा, कुछ एम देखा होगा आपने, तभी तो काम कर रहे हो। तो बेसिकली पर्पस होता है पहला तो कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का समन्वय, रिसोर्सेज को मिलाना आपके लोगों तक, लोग उस रिसोर्सेज का यूज करते हैं एक नए प्रोडक्शन को पैदा करने के लिए या नया प्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए। सेकंड आता है मेकिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन, इंफॉर्मेशन डिसीजन को बनाना, इंफॉर्मेशन डिसीजन लेना, एक अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन डिसीजन लेना, ठीक है, वो सारी चीजें। फिर आता है कॉमन गोल और वर्क टुगेदर, एक साथ मिलजुल के काम करवाना। ऑर्गेनाइजेशनल का बेसिकली मैनेजमेंट गोल यही है कि जो भी मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं वो मिलजुल कर काम करें, वर्क टुगेदर होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना हो। लड़ाई झगड़ा होने से इम्पैक्ट पड़ेगा वर्क पे, काम जो है वो कम होएगा, बात ज्यादा होगी। कॉमन गोल होना चाहिए कि एक ही गोल है, हमें 10 किलो चीनी प्रोड्यूस करनी है तो करनी है, ठीक है। आगे आते हैं सिग्निफिकेंस पे, तो सिग्निफिकेंस जो है वो हमें बताते हैं कि हमें मैनेजमेंट को कैसे इफिशियंट करना चाहिए, ठीक है। तब के कुछ सिग्निफिकेंस है जिसमें पहला आता है गोल अचीवमेंट। देखो गोल कॉमन होता है तो अचीवमेंट भी होगा, ठीक है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, दोनों पॉइंट सेम है, पहला नंबर वन और नंबर वन। अगला है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, आपको बताया था कोऑर्डिनेशन रिसोर्सेज, पॉइंट नंबर टू डाल लो फटाफट से, दोनों सेम है। रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेशन समन्वय तालमेल बना के भी चलना है और रिसोर्सेज का यूज ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए।
अच्छे से बेहतर तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है, रिसोर्सेज खत्म नहीं होने चाहिए, रिसोर्सेज को टेक केयर भी कर रहे हैं, ठीक है। एडॉप्शन, एडॉप्शन मतलब होता है कि आपको नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है। अगर मान लो मार्केट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो उस टाइम पे आपको वो चीज को अडेप्शन करना है। फिर आता है इनोवेशन, जो कि न्यू क्रिएटिविटी चीजों को पैदा करता है। इनोवेशन का मतलब होता है कि न्यू क्रिएटिविटी को आपको पैदा करना है, नई नई जो चीजें होती है, सारी नई नई चीजों को आपको बनाना होता है, क्रिएटिव करना होता है, इनोवेशन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन होते हैं पहले हम वो देखेंगे। तो इसके फंक्शन होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। चीजों को कैसे करना है, प्लान करना, वो सिखाया जाता है। फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन सिखाया जाता है, चीजों को जो करना है उसमें जो चीजें यूज होने वाली है वो चीजें कहाँ कहाँ से आएंगी, ऑर्गेनाइज करना, चीजों को इकट्ठा करना अपने पास। फिर लीडिंग करना, आपको लोगों को समझाना, लोगों को बताना, मोटिवेट करना है कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, सुपरवाइज करना है, उनको देखना है। फिर आपको कंट्रोल करना है, कोई भी वेस्टेज एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, ऐसी एक्टिविटी जिनसे कंपनी का पैसा बर्बाद होता हो, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंट्रोलिंग कहलाता है। अब हम देखो फंक्शन डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, पहले भी चार फंक्शन थे जिसका नाम था पोल्स, पोल्स तो हमने नीचे भी डिस्कस कर लिया, यहाँ पे पोल्स, ठीक है, यहाँ भी सारा डिस्कस हो चुका है। अब बढ़ने वाले लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है संत कबीर मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। देखो संत कबीर जो मॉडल है ना, ये आपकी बुक में एक प्रोफेसर है संत कबीर, तो उन्होंने जब ये मॉडल डाला था तब उसके नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस मॉडल में भी सेम वही चीजें जो फंक्शन के अंदर आती है, बेसिकली जो बता रखी है वही है। तो पहला तो आता है लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो लीडिंग के अंदर आता है, जहां पे हम अपने एम्प्लॉय को लीडर करते हैं, गाइड करते हैं कि ये काम ऐसा ऐसा होगा, ये काम इतने टाइम में होगा, हर चीज देखना, सुपरवाइज करना, लीडरशिप। उसके बाद आता है दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने मैनेजमेंट करते टाइम याद रखो कि आपके ऊपर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोशल मतलब कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपके ऊपर एक सोशल बर्डन होता है कि आपको ना पब्लिक को ये माल इतनी तारीख से पहले बना के देना है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है अगर आप पूरे मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करो। आप ये टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल का चार्ट फॉलो करो तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। या फिर आप स्केलर चेन का यूज कर सकते हो। स्केलर चेन मैंने बताई थी, जहां पे मैंने बताया था डायरेक्ट ऊपर नहीं जाओगे, आपके ऊपर एक चेन बनेगी, आप ए से बी पे कॉन्टेक्ट करोगे, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा, एक चेन से आप काम कर रहे हो, सारे के सारे जुड़े हुए हो। आगे इनोवेशन। इनोवेशन मतलब न्यू क्रिएटिविटी। आप नई नई चीजों को ऑब्जर्व करोगे, मशीनें लाओगे, टेक्नोलॉजी लाओगे और नई नई प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन जितनी ज्यादा क्रिएटिव होगी उतने ज्यादा आपको क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट्स मिलेगा, रिटेंशन उतना ज्यादा मिलेगा। फिर आता है स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटजिक मतलब आपको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ खिलवाड़ करना है भाई, ऐसा नहीं है तोड़फोड़ वाला। खिलवाड़ मीन्स आपको यूज करके देखनी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस के लिए सफिशिएंट है, किससे मैनेजमेंट हमारा अच्छा होता है, किससे हमें प्रॉफिट होगा, किससे बिजनेस डेवलप होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब मैं साइड होता हूँ, उसको उतार लो। तो आपने उतार लिया होगा आई विश, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसने नहीं लिया वो 10 सेकंड पीछे करके फिर आप ले लेना। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। बॉम की सीरीज बना रहे हैं तो बॉम वाले बच्चे जो देख रहे हैं थोड़ा सा वो तो दिखाओ, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन तो दिखाओ यार। अभी मैंने बताया था मोटिवेशन के बिना काम नहीं होता, तो मोटिवेशन दिखाओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो कॉन्टेक्ट करो इस नंबर पे। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय बाय। और जितने भी लेक्चर्स इसके बाद आएंगे, टोटल 13-14 लेक्चर है जिसमें मैं पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगा, और गारंटी देता हूँ, आज है डेट 10 या 11 अक्टूबर है, पूरा अक्टूबर खत्म होते होते आपकी बॉम्ब की सीरीज खत्म करवा दूंगा, गारंटी देता हूँ। एक नवंबर में नहीं आने दूंगा, अक्टूबर में खत्म करवा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ 100%, ठीक है। एक दिन अक्टूबर, नवंबर की 1 तारीख में नहीं आएगी, पूरी सीरीज मैं कंप्लीट कराने की गारंटी देता हूँ। साथ ही साथ दो सीरीज और आ रही है,
नई सीरीज आ रही है फाइनेंस फॉर एवरीवन, और भी आ रही है एक दो सीरीज जो कि सेमेस्टर वन के लिए, और नोट्स वगैरह सारे के रेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी नोट्स तो बन चुके हैं, लेना इसको कॉन्टेक्ट करो व्हाटएवर, ठीक है। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। अब आप इसको उतार लो और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।